तो कम से कम 20 साल भी चली जाती है। जंगल में शिकार करके खाना बनता है, यहाँ पे हमको सारा ये पका पकाया मिलता है। फार्म हमारा रेडी हो रहा है, वो भी इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा, तो ये वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जो नए कप्स आएंगे वो घर पे आ जाएंगे। जुल्म करते हैं, मारते हैं, इनको मारें ना, इनको प्यार से आप हैंडल करें, प्यार से ले सकते हैं। किस तरह पालना है, किस तरह रखना है, इनको जगह कितनी चाहिए, इनको रखने का तरीका क्या है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उर्दू पिन की जानिब से आ जाए हैं भाई के फार्म पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान? अल्लाह का शुक्र। और सुनाए, तबीयत मेरा ठीक? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह से फार्म जो बनाया बहुत प्यारा बनाया है आप। हाँ जी, अभी तो काम शुरू हो रहा है, तो इंशाल्लाह आगे आप देखें मजा आएगा आपको। ये चीजें जो है इंपोर्ट करवा रहे हैं, आगे इंशाल्लाह काफी होएंगे पेट्स। ये बच्चे पाले थे या? हाँ, ये तो हम लोग अपने फार्म से लेके आए हैं, तकरीबन ये 1 माह के थे, अभी तो ये हो गए हैं तकरीबन 15 माह के। उनकी सेल परचेज भी करते हैं कि नहीं? नहीं, सेल परचेज तो नहीं, वैसे ही गिफ्ट कर देते हैं हम लोग। भाई आए तो गिफ्ट वगैरह? हाँ, गिफ्ट हो जाते हैं। तीनों का नाम क्या रखे हैं? एक का नाम जो है पर्पली है, एक का नाम ब्लू है, एक का नाम कैरा है। इनकी एज वगैरह क्या है? ये 15 माह के हैं। और ये खाते क्या है? एक चिकन, एक टाइम बीफ। और डेली इनकी कितनी केजी वेट होगी? इनकी डेली की जो है 8 केजी खाते हैं एक पीस। एक शेर 8 केजी खाता है एक टाइम। उनकी ट्रीटमेंट वगैरह ज़्यादा तो नहीं होती? नहीं होती है, हमने डॉक्टर रखा हुआ है, डॉक्टर आता है हमारे फार्म पे, आगे विजिट करता है, सारे पेट्स को प्रॉपर देखता है डॉक्टर। मैं लाहौर में सबसे बड़े हूँ, वही आते हैं, चेकअप करते हैं। उनकी वैक्सीन वगैरह हुई भी है? इनकी सारी वैक्सीन हुई है, जो शेरों वाली वैक्सीन होती है। और ये काटते वगैरह फुल टाइम? बिल्कुल टेम है। ये देखें भाई का बेटा, ये किस तरह प्यार करता है, ये बुरा करता है और समय साल खेलने बहुत। हाँ जी, उन्हीं के साथ नहीं तो आजकल के बच्चे डर जाते हैं। हाँ, अभी थोड़े से बड़े हो गए हैं तो ये ऊपर वाले पोर्शन पे आ गए हैं, ये नीचे जब बच्चे छोटे थे ये कमरों में साथ सोए हैं। अच्छा, और ये जो नाखून वगैरह काटते हैं क्या? नहीं, नाखून वगैरह तो नहीं काटने चाहिए, वैसे जो इनके इनके माहौल के मुताबिक आप अगर इनको रख लेंगे तो कोई मसला नहीं है, पर इनके नाउन हैं पर हम लोग नहीं कटवाते, लाव नहीं है। और वैसे भी एक जुल्म है, जुल्म नहीं करना चाहिए किसी भी पेट के ऊपर। कोई भाई रखना चाहे तो क्या मशवरा देंगे आप? ये पलते हैं, ये कुत्तों से भी ज़्यादा लविंग बिल्ली हैं, ठीक है। इनको जितना आप प्यार करेंगे, देखे भाई का बेटा किस तरह प्यार कर रहा है, माशाल्लाह बच्चा तो बिल्कुल नहीं डर रहा। बिल्कुल डर नहीं था, पाल ही इसी ने। मैं कह रहा हूँ कि ये दूध पीते रहे हैं, हाथ के साथ दूध पीते रहे हैं, अभी तक ही देख लें हमारे पास सोते रहे हैं। बस में कोई इनके एसी वगैरह के लिए? हाँ, गर्मी के लिए तो इनके हमने एसी भी दिया होता है, कूलर वगैरह भी लगे होते हैं। अभी कुछ फार्म हमारा रेडी हो रहा है, वो भी इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा, तो ये वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जो नए कप्स आएंगे वो घर पे आ जाएंगे। और सर्दियों में शेर वगैरह की क्या केयर ज़्यादा होती है? बस सर्दी से थोड़ा फटा कुछ बिछा दें, कोई जिन भाइयों ने शेर वगैरह रखे हैं आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वो? क्यों नहीं, हमारे से ले सकते हैं, किस तरह पालना है, किस तरह रखना है, इनको जगह कितनी चाहिए, इनको रखने का तरीका क्या है, सेम सारा। आपके शॉप वगैरह का कोई नाम जो आपके वहाँ? हाँ जी, मेरा जो चैनल है वो भी प्रिटी पेट्स के नाम से है, मेरा टिकटॉक आईडी भी प्रिटी पेट्स के नाम से है, और मेरी शॉप का नेम भी प्रिटी पेट्स के नाम से है। मेरी शॉप है ट्वेंटर मार्केट लाहौर। और आपका कोई सेल नंबर वगैरह को भाई फोन? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 03244036562 रमज़ान। ये हमारा स्क्रीन पे ये नंबर शो हो जाएगा भाई का। जी, जिन्होंने रब्ता करना हो भाई से रब्ता कर सकते हैं। और इनकी कोई ज़्यादा इनकी खास नहीं, अभी देख लें आपके सामने किस तरह वो नॉर्मल बैठे हैं, आप भी मेरे साथ बैठे हैं, आपको तो वो कुछ नहीं कह रहा। बिल्कुल माशाल्लाह, ये तो फुल खेलते हैं। हाँ, ये सिर्फ खेलते हैं, कुछ लोग होते हैं इनके खेलने से डर जाते हैं, ये खेलते हैं। हमारा कैमरा मैन दिखा सके, माशाल्लाह तीनों बच्चे टेम हैं। उनकी एज कितनी होगी? ये 15 माह का एक है। एक 15 माह का? उनकी एज मैक्सिमम कितनी होती है? इनकी एज तो कम से कम 20 साल भी चली जाती है। जंगल में तो ये ज़्यादा देर नहीं, घरों में फार्म पे ये ज़्यादा देर रह जाते हैं। जंगल पे शिकार करके खाना पड़ता है, यहाँ पे उनको सारा कोई पका पकाया मिलता है। ये तो है बिल्कुल। और इनके लिए कोई ज़्यादा केयर वगैरह ज़्यादा कुछ तो नहीं? केयर नहीं है, बस इनको प्यार करें, जितना अच्छा प्यार कर लेंगे समझ लेके उतना ही आपके साथ जस्ट होंगे। और जिन्होंने शेर रखे उनके लिए कोई मैसेज वगैरह? उनके लिए मैसेज यही है कि कुछ लोग होते हैं अपने नेल निकलवा देते हैं शेरों के, जुल्म करते हैं, मारते हैं, इनको मारें ना, इनको प्यार से आप हैंडल करें, आप शौक बढ़ाएं कम ना करें। बहुत शुक्रिया भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पिन की जानिब से आप देखते रहें हमारा चैनल उर्दू पिन, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।